लागू करने का मामला सामने आया है। ओबीसी आयोग ने नोटिस जारी किया था यूपी सरकार को और आयोग में जब मामले की सुनवाई हुई यूपी सरकार ने अपना तर्क दिया है कि आरक्षण सही तरीके से लागू किया गया है। ओबीसी आयोग ने सरकार से हलफनामा मांग लिया है और बेसिक शिक्षा विभाग ने हलफनामा देने के लिए आयोग से एक हफ्ते का वक्त मांगा है। और एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जो आज सुनवाई हुई, क्या कुछ तर्क रखे गए यूपी सरकार की तरफ से, क्या कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, जैसा अगर आज बताया तो 69,000 मसले को लेकर ओबीसी आयोग में आज सुनवाई हुई। ओबीसी के जो वाइस चेयरमैन है उनके कार्यालय में सुनवाई हुई, जब उन्होंने हियरिंग में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए बेसिक शिक्षा विभाग सचिव, प्रमुख सचिव और इसके अलावा परीक्षा नियामक सचिव, इन तीनों से पूछा कि क्या आरक्षण सही तरीके से लागू किया गया है। तो तीनों अधिकारियों ने एक सुर में जवाब दिया कि आरक्षण एकदम सही तरीके से लागू किया गया है। इसके जवाब में अगर बात करें तो ओबीसी आयोग के वाइस चेयरमैन ने कहा है कि एक हलफनामा दायर करिए जिसमें आप बताएं और ये जिम्मेदारी लेते हुए कहें कि आरक्षण सही तरीके से लागू किया है। इसके जवाब में अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग के जो सचिव थे उन्होंने एक हफ्ते का टाइम मांगा है। आयोग ने एक हफ्ते का टाइम देते हुए उनको कहा है कि हलफनामा दायर करें जिसमें वो स्पष्ट तौर से बताएं कि 27% जो ओबीसी आरक्षण है 69,000 भर्ती में सही तरीके से लागू हुआ है। इसके बाद फिर आयोग अपना आदेश सुनाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बलिया में अधिकारियों की नाव फंस गई। अफसरों ने सिर पर उठाकर नाव को किस तरीके से निकाला, बड़ी मुश्किल से नाले से इस नाव को बाहर निकाला गया। दरअसल कटहल नाले का सर्वे करने के लिए अधिकारी गए थे लेकिन नाले में ही उनकी जो ये बोट है वो फंस गई और बड़ी मुश्किल से फिर इसको सिर पर लाद कर फंसी हुई नाव को बाहर निकाला गया। तो बलिया की तस्वीरें हैं जहां पर कटहल नाले के सर्वे के लिए अधिकारी निकले थे लेकिन नाव फंसने की वजह से काफ़ी देर तक मुसीबत का सामना इन्हें करना पड़ा। बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद है। पंचायती मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया। मंदिर में दान पात्र से नकदी और आभूषण चोरी हुई थी। चोरों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। तो बुलंदशहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चोरों के हौसले बुलंद है। पंचायती मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया। मंदिर में दान पात्र से नकदी और आभूषण चोरी कर लिए गए। और वही जालौन से भी चोरी की तस्वीर सामने आई है। ज्वेलरी शॉप में सोने की बालियां महिलाओं ने चुरा ली थी। दो महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी और उसी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप देखिए, दो महिलाएं बैठी हैं काउंटर पर। एक महिला दुकानदार को बातों में उलझा लेती, वहीं दूसरी महिला ने बड़े ही शातिर तरीके से बालियों को चुरा लिया और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही है। तो जालौन में बड़े ही शातिर तरीके से दो महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोने की बालियां खरीदने के बहाने से पहुंची थी दो महिलाएं। एक ने बातों में उलझाया और दूसरी ने वो बालियां चुरा ली। और मेरठ में एबीपी गंगा की मुहिम पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अब ऋषभ एकेडमी के संचालक पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जहां संचालक रंजीत की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है वहीं उसका बेटा अभिनव जैन गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि इन लोगों ने एकेडमी के टॉयलेट में सीसीटीवी लगा रखा था। इसको लेकर एबीपी गंगा ने मुहिम चलाई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सीसीटीवी लगा हुआ है। हालांकि संचालक का कहना ये था कि हम केवल इस बात की निगरानी करना चाहते थे कि कहीं बच्चे वहां पर बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीते, लेकिन आप देखिए बेटा जो संचालक का अभिनव जैन गिरफ्तार हो चुका है लेकिन संचालक की भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।